सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इस टाइप के लाइट ब्लैक टोन एडिटिंग। तो मैंने काफ़ी दिन पहले आप लोग को इंस्टाग्राम की स्टोरी में पूछा था कि आप लोग को कुछ टाइप की एडिटिंग चाहिए। तो आप लोगों में से काफ़ी सारे भाइयों के DMs आए थे कि भाई एक लाइट रूम ऐप की ब्लैक टोन के ऊपर आप लोग एडिटिंग लेकर के आओ। तो मैंने उन सभी भाइयों के डिमांड के ऊपर ये वाली एडिटिंग लेकर के आ चुका हूँ। एंड गाइस, अगर आप लोग को भी कोई डिमांड हो तो आप लोग कमेंट करके नीचे बता सकते हो मेरे को, आप लोग को नेक्स्ट एडिटिंग उस पर मिल जाएगी। तो आप लोग तब तक के लिए इस एडिटिंग को एंजॉय करो एंड आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम लोग लाइटर मैप के अंदर। और हाँ गाइस, लाइटर मैप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप लोग जाकर के आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ओपन करते हैं लाइटर मैप को। ओके, तो गाइस अभी हम आ चुके हैं लाइटर मैप के अंदर। तो लाइटर मैप के अंदर हम लोगों ने अपनी नॉर्मल फ़ोटो को ऐड कर लिया है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि हम लोग जैसे नॉर्मल अपने पोस्ट में कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं उस टाइप की ये भी फ़ोटो है। तो आप लोग को अपनी नॉर्मल फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक ऑटो का ऑप्शन मिलता है, सिंपली से आप लोग को उस पर टैप करना है। तो ये वाला एडिटिंग आप लोग को ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप लोग की फ़ोटो के अंदर जो भी लाइट एडजस्टमेंट होगी वो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हमें जाना है टेम्परेचर में और सबसे पहले हम लोग अपनी फ़ोटो का टेम्परेचर कम करेंगे और उस तरह करने के बाद इसको टेंट को बढ़ा लेंगे हम लोग एंड हम लोग अपनी फ़ोटो का वाइब्रेंस को भी बढ़ा लेंगे। तो इतना करने के बाद आप लोग इन तीनों को सेट कर लेना एंड आप लोग चाहो तो अपनी फ़ोटो का सैचुरेशन भी बढ़ा सकते हो। उसके बाद मिक्स वाले ऑप्शन में जाना है ऊपर की साइड में एंड आप लोग को यहाँ पर काफ़ी सारे कलर मिलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को रेड कलर मिलता है, सो आप लोग को रेड कलर की सैचुरेशन को कम कर लेना है एंड इसकी जो ह्यू होगी इसको आप लोग को हल्का सा बढ़ा देना है और सैचुरेशन को आप लोग करीब 10% के करीब इसको माइनस कर लेना है एंड लूमिनेस को बढ़ा लेना है हल्का सा। एंड इसके बाद आप लोग को अपनी फ़ोटो के जो सेकंड कलर होता है ये वाला, इस कलर को सिलेक्ट करना है, इसकी सैचुरेशन को कम करना है एंड इसके लूमिनेस को आप लोग को 50% तक बढ़ा देना है, इससे आप लोग का फेस ब्राइट हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग को यहाँ से नेक्स्ट वाले जो येलो कलर है उस वाले कलर में चले जाना है। तो उससे पहले मैं यहाँ से इसके जो फर्स्ट कलर है इसकी सैचुरेशन और भी कम कर लेता हूँ एंड इसके बाद आप लोग को यहाँ से येलो कलर में चले जाना है। नेक्स्ट जो कलर होता है इस कलर की ह्यू को बिल्कुल डाउन कर देना आप लोग को 100% तक एंड इसकी सैचुरेशन भी बिल्कुल कम कर लेनी है 100% तक एंड जो ह्यू होगा इसको आप लोगों को हल्का सा इंक्रीज करके रख देना है। ओके, तो इतना करने के बाद अभी ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है और ग्रीन कलर की सैचुरेशन ह्यू को बिल्कुल कम कर देना है, सैचुरेशन को भी बिल्कुल कम कर देना है एंड जो लूमिनेस होगा इसके लूमिनेस को आप लोग को हल्का सा बढ़ा देना है जिससे कि बैकग्राउंड में आप लोग को एक लाइट देखने को मिल जाएगी। सो इतना करने के बाद नेक्स्ट जो सियान कलर है इसमें जाना है और इसकी ह्यू को बिल्कुल कम कर देना है एंड जो इसकी सैचुरेशन होगी इसको भी कम कर देना है बिल्कुल। और आप जो आप लोग चाहो तो लूमिनेस को छेड़ सकते हो एंड इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट ब्लू कलर मिलता है। सो आप लोग को ब्लू कलर में आप लोग कोई ह्यू को नहीं छेड़ना है एंड आप लोग को सिंपली इसकी सैचुरेशन कम कर देनी है 100% तक एंड उसके बाद आप लोग लूमिनेस को हल्का सा कम कर लेना एंड इतना करने के बाद नेक्स्ट दोनों कलर की आप लोग सैचुरेशन को कम कर देना एंड जैसे ही दोनों कलर की सैचुरेशन एंड ह्यू दोनों कम हो जाए इसके बाद इसको कर लेना यहाँ से डन। डन होने के बाद आप लोग यहाँ से कलर वाले ऑप्शन से बाहर आ जाओगे एंड आप लोग को नेक्स्ट जो इफेक्ट का टूल मिलता है इस वाले टूल में चले जाना है एंड यहाँ पर विग्नेट को कम कर लेना है, वो आप लोग अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग कर लेना एंड यहाँ से इसके बाद हम लोग टेक्सचर को बढ़ाते हैं एंड जो क्लियरिटी है इसको भी बढ़ा लेंगे हल्का सा। सो इतना करने के बाद शार्पनेस वाले ऑप्शन में जाना है और शार्पनेस को बढ़ा देना है एंड डिटेलिंग को पूरा इंक्रीज कर लेना है 100% तक एंड आप लोग चाहो तो हल्का सा मास्किंग को भी इंक्रीज कर सकते हो। सो इतना करने के बाद लाइट वाले ऑप्शन में चले जाना है और जो इसका एक्सपोजर होगा इसको आप लोग को हल्का सा बढ़ा लेना है जो कि ऑटोमेटिकली कम हो चुका था एंड इसके बाद आप लोग को ब्लैक को कम और भी कम कर लेना है जिससे बैक साइड में आप लोग को शेडो देखने को मिल जाएगी। सो इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि अपना जो फाइनल फ़ोटो का लुक होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल के आ रहा है एंड आप लोग को एक बार मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ। ये देखिए आप लोग बिफ़ोर एंड आफ्टर
ये बिफ़ोर एंड आफ्टर आप लोग का फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड आप लोग देख सकते हो कि आप लोग की फ़ोटो है जो एकदम ब्लैक ट्यून के अंदर आ चुकी है, वो भी बिना किसी प्रीसेट के यूज़ किए। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड हाँ गाइस, चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर लेना। सो मैं मिलता हूँ इस टाइप की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।